सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अमन सिंह, फर्स्ट ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो यार देखो, आज नीट 23 का पेपर हो गया है और मैंने देखो जितने मेरे नॉन में नीट एस्पिरेंट थे जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया है और जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया है आज, मतलब उनसे मैंने रिव्यू लिया है पेपर के बारे में, कैसा पेपर आया था, कैसा पेपर गया है और पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, कैसे क्वेश्चन आए थे अलग अलग सेक्शन में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। और पेपर मेरे पास देखो आ गया है और मैं हम लोग अभी इतनी देर से बैठ के यही देख रहे थे कि मतलब कैसा पेपर गया है, एनसीईआरटी के बाहर का तो नहीं है, असर्शन रीजन वाले कितने हैं, स्टेटमेंट वाले कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस पे देखो अभी देख रहे थे हम लोग। तो फाइनली देखो जो पेपर का ओवरऑल रिव्यू आया है वो ये है कि फिजिक्स में देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टाइप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन आए थे उसी टाइप के इस साल भी क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा फिजिक्स देखो मॉडरेट टू इजी में रहेगा, इजी टू मॉडरेट फिजिक्स का पेपर आया था, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं थे जैसे 2022 वाले पेपर में था, जैसे कि फिजिक्स थोड़ी से मतलब छोटे छोटे ऑप्शन, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, वैसे वैसे सवाल आए हुए थे और प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ही था, जैसा कि होता है कि फिजिक्स में PYQ लगा लो उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो उसी टाइप का सवाल आया हुआ था, ज़्यादा कुछ नया कॉन्सेप्ट था नहीं, जो कॉन्सेप्ट चले आ रहे हैं सिर्फ उसी पे क्वेश्चन आया हुआ था। तो फिजिक्स ओवरऑल इजी टू मॉडरेट था लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कुछ कुछ दिखे हम लोग को, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए हुए थे, इजी टू मॉडरेट था, टफ नहीं कहेंगे ज़्यादा। फिजिक्स में इस बार देखो ज़्यादा स्टेटमेंट या असर्शन रीजन वाले सवाल नहीं आए हुए हैं, फिजिक्स में देखो दो क्वेश्चन आए हुए हैं असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले और तीन चार सवाल लेंदी आए हुए हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं कहेंगे, मतलब इससे ज़्यादा नहीं कहेंगे। तो फिजिक्स ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल था लेकिन मॉडरेट था, ठीक है। केमिस्ट्री की यदि बात करें तो केमिस्ट्री यार देखो हम लोग को टफ लगी, मॉडरेट से टफ लगा केमिस्ट्री का पेपर एनालाइज करने पे, क्यों, क्योंकि देखो ये पहली बात तो स्टेटमेंट वाले और असर्शन रीजन वाले और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भरे पड़े हुए हैं, टफ इसलिए भी कहेंगे ये क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, यदि आप केमिस्ट्री में मतलब किसी क्वेश्चन पे स्टक कर जाओगे तो फिर आपका टाइम ज़्यादा उसमें चला जाएगा, आप उस पर रुक जाओगे फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो आगे आपको उससे खतरा हो जाएगा। और केमिस्ट्री में यदि देखा जाए तो 7-8 क्वेश्चन के आसपास असर्शन रीजन स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू वाले क्वेश्चन आए हुए हैं और लगभग 7-8 क्वेश्चन वही स्टेटमेंट वाले लंबे लंबे क्वेश्चन आए हैं, अब मैचिंग वाले तो आए ही हैं, तो ऐसे देखा जाए तो काफ़ी लेंदी पेपर हो गया है केमिस्ट्री का, लेंदी होने की वजह से इसको टफ भी कहेंगे क्योंकि केमिस्ट्री हम लोग जनरली मिड में करते हैं तो उसके बाद फिजिक्स भी बची रहती है, तो केमिस्ट्री में जिसका ज़्यादा टाइम लगा होगा उसको तो देखो भाई थोड़ी दिक्कत होगी, केमिस्ट्री बहुत टाइम कंज्यूमिंग था और लेंदी होने की वजह से और थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ साइडर था, ठीक है। जैसे कि मैंने देखा केमिकल बॉन्डिंग में वो क्वेश्चन पूछ दिया है, मतलब कि MOT वाला डायरेक्ट पूछ दिया जो कि बहुत लोग नहीं याद करते हो, मैं बोलता हूँ NCERT से पढ़ा करो, एकदम प्योर NCERT पढ़ो वही आएगा। बायो की यदि बात करें तो बायो में टोटल स्टेटमेंट और असर्शन रीजन वाले लगभग 19 से 20 सवाल आए हुए हैं, ठीक है, तो बायो भी मतलब कम नहीं है, पिछले साल से 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा ही हैं स्टेटमेंट असर्शन रीजन वाले। तो बायो में यदि देखा जाए तो बायो में बॉटनी में 8 क्वेश्चन असर्शन रीजन वाले हैं, बॉटनी में 8 क्वेश्चन असर्शन रीजन वाले हैं, ठीक है, और 10 क्वेश्चन के आसपास इसमें वो मतलब लेंदी क्वेश्चन है, तो ठीक ठाक है, बॉटनी अच्छा खासा लेंदी है। और जूलॉजी में देखें तो 11 क्वेश्चन असर्शन रीजन वाले हैं और 15 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं, मैचिंग वाले इसमें शायद मैंने कुछ छोड़ भी दिए हैं, तो ओवरऑल बायो का पेपर लेंदी था जैसे पिछले साल था, तो पैटर्न पेपर का लगभग लगभग पिछले साल जैसा है, जैसा जस्ट पिछले साल था। यार देखो बायो भी थोड़ी लेंदी आई हुई है, जैसे पिछले साल लेंदी आया था पेपर बायो का वैसे इस बार भी है, जैसे फिजिक्स पिछले साल थोड़ा सा मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे वैसे वही है, केमिस्ट्री पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा टफ है, बायो लेंदी है तो इजी टू मॉडरेट भी है, क्वेश्चन ज़्यादा मतलब वैसे नहीं आए हैं, मतलब इजी क्वेश्चन है लेकिन बायो में क्या है इजी, बायो में यदि लेंदी क्वेश्चन है तो भाई लेंदी है, प्योर NCERT से देखो क्वेश्चन था बायो का भी और केमिस्ट्री फिजिक्स में भी NCERT बेस्ड ही है और PYQ बेस्ड है, तो देखो ज़्यादातर क्वेश्चन पिछले साल जस्ट पिछले साल जैसे सवाल आए हैं वैसे हैं और PYQ टाइप के ही क्वेश्चन है, जैसे प्रीवियस ईयर में है वैसे ही इस टाइप भी आप पेपर का पैटर्न मोटी मोटा रहा है। तो पेपर ओवरऑल देखो डायरेक्ट पेपर था एकदम, और मतलब कि जिन्होंने NCERT पढ़ी है, जैसा कि मैं बार बार अपने वीडियोज़ में बोला हूँ कि प्योर NCERT पढ़ना है, तो जिन्होंने देखो NCERT पढ़ी उनके लिए तो पेपर बस लेंदी था, ठीक है, और बाकी पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ओवरऑल पेपर इजी है, केमिस्ट्री थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी है, बाकी ओवरऑल पेपर यही है।
ठीक है। और यदि आप देखें यदि तो आगे मैं फिर अभी बताऊंगा, लेकिन कट ऑफ वही आसपास 600 के आसपास ही रहेगी, 600 के आसपास ही, -10 +10 के आसपास कट ऑफ रहेगी। और आप लोग आज शाम को भी तो पहुंचोगे घर, देखना मतलब अब आज शाम को पेपर मिलाओगे ही, मिला के देखो पेपर में कितना स्कोर बन रहा है, कमेंट्स में बताना, ठीक है। और फिर देखो कैसा गया है पेपर, ठीक है, कितना स्कोर किया है आपने, ठीक है। थैंक यू।